गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के रैली में दो बातें कही है आप लोगों ने भली भांति सुनी होगी एक यादव और मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाना दूसरी जनगणना बीजेपी की राय थी नीतीश कुमार जब बीजेपी में थे तो पहले बात हो चुकी थी कि जाति जनगणना करानी है सोचने वाली बात तो अब हो गई अमित शाह बोल रहे हैं कि जाति जनगणना हम पहले कराने वाले थे नीतीश कुमार अपने पर क्रेडिट ले लिया अलग हट के बीजेपी से जब से जनगणना हुआ है तब से बीजेपी चिल्ला रही है कि जनगणना से बिहार को क्या भला होने वाला है अगर भाला नहीं है तो हाला क्यों है अमित शाह बोलते हैं कि यादव की और मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ाई गई है और बीबीसी की संख्या घटाया गया है यादों की संख्या चौदह परसेंट कैसे और मुस्लिम की संख्या अठारह परसेंट कैसे इसी में उलझे हुए हैं अमित शाह अमित शाह का साफ साफ कहना है कि हमको यादव और मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए एबीसी और जनरल पर राजनीति करनी है बताइए यादव मुस्लिम यही ना सोचेगा कि हमारा विरोधी पार्टी है बीजेपी अमित शाह ये भी बोले डोमिसाइल नीति को हनन किया जा रहा है नीतीश कुमार द्वारा और नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार अलग थोड़ी है जी बिहार तो भारत में है ना तो भारत के लोग कहाँ जाएंगे हम चाहते हैं अपना देना नौकरी हम देते हैं आप भी दीजिए आप क्यों नहीं देते हैं नौकरी मुजफ्फरपुर रैली में जब तक अमित शाह रहे तब तक ले आप लोगों ने भाषण सुना और क्या विकास के लिए बात कही आप लोगों ने बखूबी सुनी होगी इसमें तो कोई दो राय नहीं है सिर्फ पक्ष विपक्ष की बात करते रहे लेकिन विकास के मुद्दा पर कोई बात नहीं की आप लोग खुद सोचिए बिहार इतना छोटा राज्य फिर भी इसी पर सबकी निगाह है आखिर अमित शाह कारण क्या है कि यहाँ आते हैं और रैली करते हैं। कहीं मन में ये तो नहीं बैठा हुआ है कि बिहार जिधर चाहेगा सरकार बनाना उधर सरकार बना सकती है बिहार के लोगों में इतना खूबी है खैर जो भी हो राजनीति गर्म है नीतीश कुमार और बीजेपी भी दोनों में टक्कर चल रही है देखिए क्या होता है